किसान भाइयों, धान इस समय अपनी पकने की अंतिम अवस्था में है और कई किसान भाइयों के खेतों में धान लगभग पूरी तरह पक चुकी है और कई किसान भाइयों ने काटना भी शुरू कर दिया है। कई खेतों में हमने देखा ये कंडुआ नामक रोग दिखाई दे रहा है कई किसान भाइयों के खेतों में और ये धीमे धीमे लगातार बढ़ रहा है और धीमे धीमे अपने पूरे खेत को चपेट में ले लेता है। इससे करीब किसान को 30 से 40% नुकसान झेलना पड़ता है। इसके मुख्य बचाव है कि धान निकलने से पहले ही हमें फंगीसाइड प्लस नाइट्रोकिन का एक स्प्रे कर देना चाहिए, जिन खेतों में यह समस्या बार बार आती है। इस रोग का आने का मुख्य कारण है बेमौसमी बारिश और वातावरण का असंतुलित होना। वातावरण में जब नमी 90 से 95% के आसपास होती है और टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है तो ये रोग खेतों में बहुत तेज़ी से लगता है। जिन किसान भाइयों के खेतों में इस तरह के रोग लगभग प्रत्येक वर्ष आता रहता हो तो उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, धान रोपने से पहले जब भी अंतिम जुताई करें तो उसको जो पाउडर ग्रुप में फंगीसाइड आता है उससे अपना भूमि उपचार जरूर कर लें। भूमि उपचार भी करें और फंगीसाइड के अंतिम समय में जब बाली निकलने वाली हो उसके पहले 10-10 दिन के अंतराल में करीब 2 स्प्रे कर दें, फंगीसाइड प्लस नाइट्रोकिन का स्प्रे आप कर दें तो आपको देखेंगे जब भी बाली निकलेगी तो आपको उसमें कंडुआ रोग नहीं आएगा। मतलब फंगीसाइड के स्प्रे आप कर देंगे जब भी तो आपको जो भी रोग आगे आने वाले होंगे, धान निकलने के बाद भी कई रोग लगते हैं क्योंकि उस समय कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। और मुख्य कारण किसान भाई उसमें है कि आप यूरिया जितनी कम से कम डालें। हमारे किसान भाई यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यूरिया की अधिकता के कारण भी इस तरह के रोग आते हैं क्योंकि अंतिम समय धान निकलने के बाद जब रोग आता है तो आप किसान भाइयों समझ लीजिए कि आपने यूरिया बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। इसलिए आप यूरिया संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।